सो हे गाइस, वेलकम टू जय हिंदुस्तान गेमिंग। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का सैंपल सर्वर। तो अब देखो, मैंने पहले कहा था कि मेरे पे बहुत कुछ है, मेरे पे मतलब डायमंड वगैरह हम ढूंढने को भी कुछ आई है। और यस, मैंने आर्मर था मेरे पास। ये देखो ना यार, प्रोटेक्शन फोर थॉर्न्स, ये मेरे प्रोटेक्शन फोर थॉर्न्स को अनलॉकिंग थ्री है। इसमें मेरे पे डिस्ट्रॉयर 3 आ गई, थॉर्न्स 3 बन जाएगी। ओके, ये सारा फॉलिंग है मेरे पास। और डायमंड्स 59 हो गए मेरे पास। शॉवल पे मेरा शॉवल पे मेरे पास है फॉर्चून 3, एफिशिएंसी 4। इसमें थ्री ये सब है भाई मेरे को। और स्वॉर्ड पे अभी तो मेरे फिलहाल 3, 4 नॉकबैक लगी हुई बस। अभी मैंने एक स्वॉर्ड हाँ मिलता है, और मेरे को अभी 30 लेवल्स पे शार्पनेस 4 मिल गया। तो अभी हम 30 लेवल्स पर लेते हैं। भाई जिससे ना ये डायमंड की माइनिंग के लिए क्या हुआ था लिटरली भाई, सच में यार। पता है कल मैंने भाई स्मेल्टिंग करी भाई सबकी, एंड जो भी मतलब मेरे पे सामान था उसकी स्मेल्टिंग करी, एंड भाई तो मानोगे नहीं यार, करीब करीब भाई पौने एक घंटा लग गया भाई मुझे सिर्फ स्मेल्टिंग करने में। मतलब यार इतना कुछ भाई स्मेल्ट कर दिया। और मैं लाया यार कितने था, मेरी पिछली वीडियो देख लेना, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा मैं कितने लेवल्स लाया था। और मेरे पे भाई 22 गिर गए थे आई एम गेसिंग शायद। तो शार्पनेस 4 ले लेते हैं। अरे भाई यार क्या बात है, इतनी गंदी चीज़ यार, शिट। फॉर्चून 2 ने एक मिनट, सिल्क टच है क्या यार? सिल्क टच नहीं मिलती यार, क्या है भाई। तो स्माइट 4 मिल रही है, लेनी है बट वही है ना बात उस पर। भाई थॉर्न्स 1 भाई मैं कैसे ले सकता हूँ? अच्छा इस पर अनब्रेकिंग 3 मिल रही है, और इस पर अनब्रेकिंग 3 है नहीं। हेलमेट पर ले लेते हैं, और अब जैसे कि सबको पता ही यार थोड़ा बैक क्यों कर रहा है। ओके, अब मेरे हिसाब से लैग नहीं कर रहा यार, लैग पता नहीं क्यों कर रहा है यार, पता नहीं सो गया मैं। वैसे मैंने क्राफ्टिंग टेबल पे करा था। ओके सो हम बना लेते हैं एक स्वॉर्ड, हमें बनानी पड़ेगी यार अच्छे खासे डायमंड भाई, अच्छे खासे डायमंड चले जाएंगे पता है। जैसे आपने इसको, अरे हाँ यार चेक तो करें इसमें मिल क्या रहा है। फायर एक्सपेक्ट वगैरह मिल जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। अनब्रेकिंग है मेरे पे, हाँ है तो सही यार, फिर यूज़ वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। ये भी नहीं लेनी हमें। अरे भाई क्यों हैंग हो रहा है यार ये। ठीक है ये हो गया, और हमें हेलमेट पे अनब्रेकिंग 3 मिल रही है, और इस पे तो भाई सबसे मतलब क्या ही कहूँ यार मैं। इस पे क्या मिल रहा है, पावर 3 और बकवास सब। इस पे फैदर फॉलिंग 4 मिल रही है यार, फैदर फॉलिंग 4 है तो सही यार मेरे पास। एक काम करते हैं इसमें ना अनब्रेकिंग 3 ले लेते हैं, क्या पता रेस्पिरेशन भी आ जाए। तो मैं जल्दी से यार ले लेता हूँ लेवल्स थोड़ा, अब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा।
पूर्णिया का विलेज है ना, वाल्मीकि के मेरे भाई भी गया है माइनिंग पर, तो लेट्स गो। किस पे हमें हेलमेट पे अनब्रेकिंग थ्री मिल रही थी, अनब्रेकिंग थ्री हमारे पे है नहीं वैसे यार। बट यार क्या है यार, तो एक और शार्पनेस और शार्पनेस फाइव बन जाएगी, ले लेते हैं यार थोड़ा सा रिस्क। तो भाई अब भाई इतना कुछ करा है थोड़ा सा तो रिस्क लेना बनता है भाई। तू तो बात ही मत कर यार, अब हेलमेट ने धोखा दे दिया यार। चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं इस हेलमेट को, करते हैं डिसेंशेंट। सर हमें अनब्रेकिंग थ्री चाहिए, अनब्रेकिंग थ्री का विलेजर हम मैंने बनाया था यार, वो जोम्बी की वजह से मारा गया। बट हमें रेस्पिरेशन चाहिए यार अनब्रेकिंग, उससे मतलब ज़्यादा कीमती नहीं है, रेस्पिरेशन इज मस्ट। अब हमें 30 लेवल तो पारा करने पड़ेंगे यार, हद था भाई, एक बारी में चले जाते हैं।
यार यही तो मेरे पहले भी था। शार्पनेस 5 तो बनी गई, पर यार मुझे फायर एक्सपेक्ट नहीं है ना। फायर एक्सपेक्ट बस वही रहती है आई एम गेसिंग, और तो कुछ नहीं रह रहा। फायर एक्सपेक्ट ही तो रह रही है बस। शार्पनेस 5 होनी चाहिए, लूटिंग, नॉक बैक, अनब्रेकिंग, मेंडिंग, नॉक बैक, फायर एक्सपेक्ट, अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग 3 और मेंडिंग तो कंपलसरी, वो तो सब पे होती है। उसके बाद हमारी आती है प्रोटेक्शन, सॉरी शार्पनेस, वो है हमारे पास। और शार्पनेस है हमारे पास, अनब्रेकिंग 3 है हमारे पास, नॉकबैक भी है, फायर एक्सपेक्ट रह गई है शायद, लूटिंग भी है ये हमारे पे अभी। फायर एक्सपेक्ट तो रह गई है बस, वो जाके देख कर आते हैं ब्रेलियर्स के पास है। मेरे फालतू फंड के ना ये एक्सपी खराब हो जाएंगे, मतलब देख लेते हैं पहले दूसरों को क्या मिल रहा है। शार्पनेस 3, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शबल पर सिर्फ टच, अनब्रेकिंग 3 तो पहले से ही है। अच्छा फाइनली अब हेलमेट, नहीं भाई ये कभी कुछ नहीं कर सकते भैया, सब भाई सभी एक जैसे हैं ये। बुक तो भाई बुक भी लुल है भाई, वो पे क्या मिल रहा है, वो पे अनब्रेकिंग। अब शील्ड पे तो होता ही नहीं है, एक्सपीरियंस मतलब था शार्पनेस वगैरह, और वो पे क्या मिल गया था अनब्रेकिंग 3। लेगिंग्स पे बकवास मिल रही थी, सब पे बकवास मिल गया। अच्छा मैं अबे एनिमल पे चेक कर लो यार, इस वाले को और इस वाले को, 5 और 17। ओके 5 और 17, शार्पनेस 4 और 5 को बनाने में सिर्फ एक लेवल जाएगा, ये 11 जाएगा। शार्पनेस 5 अनब्रेकिंग 3 नॉक बैक, शार्पनेस 5 अनब्रेकिंग 3 नॉक बैक, शार्पनेस 5 अनब्रेकिंग 3 नॉक बैक, एक लेवल जाएगा यार, एक लेवल कर लेंगे। बस इसमें मेंडिंग नहीं है, मेंडिंग नहीं है सारे पे है। और ये हो गए 7 और 18, और इसको रख दो इधर, ये मेंडिंग वाले को रख दो इधर। 26 लेवल हो गए, अब हमें कुछ नहीं है, हम भाग रहे हैं घर की तरफ। वैसे हम पीछे से जा सकते हैं बट मैं, चलो घर पीछे से ही चलते चलो, जाके आते हैं एक बार, देख कर आते हैं ना यार उन पे है ना, है कि नहीं देखते हैं। वैसे भी यार मैं आपको दिखा दूंगा यार मेरा, हमने मतलब मैंने नहीं एक्चुअली यार, निको गेमर भाई ने बनाया था विलेजर्स का हाउस, तो मैं दिखा देता हूँ तो यार। हाँ मुझे फायर एक्सपेक्ट ही चाहिए यार, और तो कुछ मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता चाहिए होगा यार। अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ ना यार स्क्वाड में तो कमेंट कर देना। मैं बता देता हूँ मैंने गिन कौन कौन सा लिया है, अनब्रेकिंग 3, मेंडिंग, और सब में लगती है ठीक है। एक लग गई हमारी शार्पनेस 5 है हमारे पास, नॉक बैक 2 है हमारे पास बस यार, और लूटिंग भी है हमारे पास। ये देखो ना इसके अंदर देख लो, लूटिंग भी है, नॉक बैक भी है, फायर एक्सपेक्ट चाहिए बस शार्पनेस 5। तो यार ये रही वो झोपड़ी जो मतलब अभी बन चुका है, विलेजर्स का पंगा करना बाकी है। और यार ये रहा मेरा अनकम्प्लीटेड हाउस जो रुक गया था बिकॉज ऑफ भाई फोर्ट्रेस जाना था, इन पंगा पड़ गया फोर्ट्रेस का भाई। तो यार ये है वो घर, इसके अंदर अभी जाना है, सही है भाई। चलो तो ओके भाई, तो घर के अंदर आते ही, अरे यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दो विलेजर हैं, दो विलेजर, ये कौन से विलेजर है भाई। ये कौन है,
क्विक चार्ज। तो फिर ये कौन है भाई, तुम कौन हो भाई? तू पक्का तो नहीं होगा ना भाई? वहां तक जा ही नहीं पा रहा भाई मैं। ओके यहीं पे देख लेते हैं। तो ये है हमारे मेंडिंग वाले भाई साहब जो 30 में दे रहे हैं, बट उसके बाद क्या दे रहे हैं ये नहीं पता। और नॉकबैक भी दे रहा है भाई ये तो। ठीक है भाई, ये आउट ऑफ सर्विस हो गए अब भाई। ये ज़ॉम्बीज ना जा पाए इसलिए कर दिया हमने, मतलब निकल भी आने कर निकल निको भी मैंने। ये मेंडिंग है और यहाँ पर भी लगी होगी। ये फ्लैचर हैं, अब ये क्लैरिक है भाई। और ये हैं सारे लाइब्रेरियंस जिनके ऊपर अभी भी नाम नहीं लिखे हैं, बट चेक कर लेते हैं। 27 में लूटिंग अच्छा हाँ चलो लूटिंग का भी होगा ना। तू कौन है भाई? 28 में शार्पनेस 4 निको गए भाई, फिर से ज्वाइन हो गए हैं। ये तो स्वॉर्ड्स वाला है, तो हो सकता है फायर एक्सपेक्ट भी हो। थॉर्न्स फायर एक्सपेक्ट हो सकता है। फायर एक्सपेक्ट वाला है ही नहीं क्या हमारे पास? तो प्रोटेक्शन 4 है। अबे येरी 8 एमरल्ड चाहिए मुझे। 8 एमरल्ड में फायर एक्सपेक्ट 2 दे देगा मुझे। ठीक है ओके, हमारे पे मतलब हम ले सकते हैं फायर एक्सपेक्ट। मतलब अभी हमें मतलब उसका पंगा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अब कुछ नहीं लेना। हमारी शार्पनेस 5 भी आ गई है और नॉकबैक वगैरह है हमारे पास। बाकी मतलब ये तो पूरा हो जाएगा घर पे। यार मेरे पे डैम एमरल्ड रखे नहीं हुए मेरे, डायरेक्ट वहीं पे हैं। होते ना मैं कर लेता अभी बंदा। ये दो जगह है इसकी खाली हो गई यार। चलो बुक थी यहाँ पर तो 200 की हो गई थी। ठीक है ओके आ रहा है समझ में भाई। इसको तो पत्ता रखना ही है। चलो साइड अरे इसको भर लो यार, इधर भर लो इधर।
अच्छा यार हमें लेने के इसके यार शार्पनेस है सर्वर पर तो अनब्रेकिंग मिल रही है बुक पर भी अच्छा नहीं है लेगिंग्स पर भी अच्छा नहीं है हेलमेट पे भी नहीं है वो पे अनब्रेकिंग थी शार्पनेस वगैरह मिल रही है ना एक काम करते हैं चेक करते हैं फॉर्चून टू फेदर फॉलिंग वगैरह आ रही है फेदर फॉलिंग इस पर चेंज हो गया होगा थॉर्न्स टू प्रोटेक्शन थ्री नहीं रेस्पिरेशन होता तो चलता थॉर्न्स टू नहीं शवल वेरी गुड सिल्क टच आ गई तो ये तो ठीक है अनब्रेकिंग थ्री भी ठीक ठाक ही है और वो हो गई बुक भी हो गई शवल भी हो गई लेगिंग्स भी हो गई कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा वही मिल रहा है भाई तो यार देखो अभी ना मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है एंड इससे पहले कि वीडियो और लंबी हो जाए आपका देख तुम दोनों का देख तुम लोगों का देखने का मन ना करे ना इससे पहले भाई मैं जा रहा हूँ एंड फिर अपनी शेडिंग वगैरह पूरी करके मैं आपको मिलूँगा आप अगली वीडियो में नज़र जाएंगे हम तैयारी करेंगे नज़र की और अगर कुछ और होगा तो बीच में हम ना भी कर देंगे ठीक है बीच में अगर रेड वेड करानी हुई फिर कुछ और होगा तो मैं यार आपके साथ आ जाऊँगा दोबारा बाकी यार देखो मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो बनाने तब तक गुड बाय।